हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर छठा चैप्टर आर के झा बुक का। पांच चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहला था एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन कराया मैंने, देन आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण कराया, फिर वर्ड फॉर्मेशन कराया, पांचवा कराया शब्दों का तार्किक क्रम जिसमें डिक्शनरी वाले क्वेश्चन आए और जो क्रम में लगाते हैं वो। अब छठा चैप्टर है आपका चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं कूट लेखन एवं कूट वाचन। नहीं पता होगा इसलिए बता दिया। अब इसका मतलब क्या है, तो सिंपल से कॉन्सेप्ट में देखिए चलते हैं। पहले चैप्टर का मतलब समझो कि चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर का मतलब है कोडिंग। कोडिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई भाषा है और उसको आपको कोड करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे ले कि आपको लव लेटर लिखना है, नहीं लिखना है किसी को, लिखना मत, अब तो चलने जमाना गया लेटर वाला, है ना। मतलब मेरे जमाने में भी नहीं था, मैं भी इसी जमाने का हूँ। पापा मम्मी दादा दादी यार उनके जमाने में कभी लेटर चला करते होंगे, सुनते तो हम सभी, है ना। तो लव लेटर की अगर बात करें तो उसकी बात करते हैं कि अगर आपको कोड में लिखना है कि ऐसा लिखना है कि वही समझ पाए और उसके अलावा और कोई पढ़े तो वो ना समझ पाए, तो उसे कहेंगे कि अपनी भाषा को कोड कर देना किसी और भाषा में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ये लिखा मैंने, अब ये क्या है ये आपको समझना है। जैसे और लिख देता हूं, चलो थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखा, ये गैप करा, ये करा, फिर मैंने लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब ये क्या लिखा है ये आपको समझना है। अब ये कौन समझ सकता है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं या फिर जो बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ जिन्हें मैं बता दूंगा तो वो समझ जाएंगे कि सर कैसे लिखते हैं, तो वो तो समझ सकते हैं। कुछ बच्चों ने पता है क्या कर रखा है कि इंस्टा पे ऐसे मुझे फॉलो करते हैं, तो उनको मैंने सिखाया ये, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है, तो उन्होंने कोड भाषा में लिख रखा है कि आई लव दिस आई लव दैट। और मजे की बात यह है कि मुझे तो पता ही है जब मैंने सिखाया तो मैं पढ़ लेता हूँ, और फिर मैं स्कूल क्लास में अगर आ गए उनको समझाया तो बेटा पढ़ाई में ध्यान लगा लो मत पढ़ने चक्कर में। तो क्या है ये, मैं लिख के बता देता हूँ कि 9 पर आता है आई, 12 पर आता है एल, 15 पर आता है ओ, 22 पर आता है वी और 5 पर आता है ई, आई लव, 13 पर आता है एम और 25 पर आता है वाई, माई, 19 पर आता है एस, 20 पर आता है टी, 21 पर आता है यू, 4 पर आता है डी, 5 पर आता है ई, 04 और 05 लिखा कि हर अल्फाबेट 2 जिट का क्या है, एन पर आता है, 14 पर आता है एन, 20 पर आता है टी और 19 पर आता है एस, आई लव माई स्टूडेंट्स, डन। अब ये हो गई कोडिंग, मतलब कि मैंने अपनी भाषा को, ये मेरी भाषा थी, इसको मैंने कोड कर दिया इसी भाषा में। अब आपने क्या किया, आपने ये पहचान लिया तो आपने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। मैंने अपने शब्दों को कोड में लिखा और आपने इस कोड को पढ़ा और जो मीनिंग था वो लिख दिया, तो ये क्या हो गई, डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसको किसी प्रकार से किसी कोड में लिखा जाएगा, आपको उसको पहचानना है और एक दूसरा शब्द दिया जाएगा, उसको दूसरी भाषा में डिकोड कर देना। फॉर एग्जाम्पल बोले भाई इसने क्या किया, कोड पढ़ा, उसका मीनिंग समझ लिया। अब मीनिंग समझने के बाद ये उन्होंने लिखा नहीं, मीनिंग समझ लिया दिमाग में, इसका रिप्लाई करना है ठीक। तो अगर मैं आई लव माई स्टूडेंट्स लिख देता कुछ भी और, तो उसको रिप्लाई करना है, उसको लिखना है कि कोई और टीचर है वो भी कह रहा है, उसने लिखा मैं भी बोल रहा हूं कि क्या लिखो, कि अगर उसने लिख दिया तो 13 पर होता है एम, ई 5 पर होता है ई, 20 पर होता है टी, 15 पर हो 15 मी टू, है ना। उसने लिख दिया आई लव माई स्टूडेंट्स, कोई और टीचर भी मेरे साथ के टीचर्स हैं और लिख दिया मी टू, मैं भी अपने फ्रेंडों से अपने स्टूडेंट से बात ना करता तो मी टू। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरी भाषा को समझ लिया, कोड कर लिया, ये मैंने कोड में लिख के भेजा, उन्होंने मैंने कोड में लिख दिया, तो ये हो गया कोडिंग। अब उन्होंने इसको समझ लिया और मुझे रिप्लाई कर दिया, तो उनको ये लिखा हुआ मिला, ये उनको रिप्लाई देना था, उसको उन्होंने डिकोड करके ये कर दिया, तो ये हो गई डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का आपका मतलब क्या, इसका समझ गए होगे। तो पेपर में बस पहले आपको ये समझना है कि करते कैसे हैं क्वेश्चन, तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको किसी प्रकार से कैसे भी प्लस माइनस गुणा भाग करके कोड कर दिया जाएगा किसी भाषा में, आपको दूसरा शब्द दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा, तो आपको पहले पहचानना है कि इसने कैसे किया है, और जब आप पहचान जाओगे तो जो दूसरा शब्द दिया है उसको डिकोड करके उसका आंसर आपको बताना है, सेम प्रोसीजर जो उसने करके दिया है वही आपको कर देना है, ताकि आप दोनों ही आपस में समझ जाओ, कोई पिताजी या भाई लेटर ना पढ़ ले और आपकी पिटाई ना हो जाए, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर किसी को लिख के भेज रहे हो तो उसके भैया कंपटीशन की तैयारी ना कर रहे हो, मुझसे तो बिल्कुल भी ना पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर मुझसे पढ़ रहे होंगे तो उन्हें ये आती होगी, और अगर ये आती होगी तो धुनाई बजानी है बढ़िया करके। तो अब आते हैं चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो समझ गए, अब इसको समझना कैसे, कितने टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको लाखों क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपका होगा ना तो आप जितने नाम मुझे कमेंट करोगे मैं सबके नाम से क्वेश्चन बना दूंगा, इतने क्वेश्चन बना सकता हूं मैं। लेकिन फिलहाल और मैं ये करूंगा भी, जो बच्चे डेली कमेंट कर रहे हैं, डेली मौजूद हैं,
उनका नाम मैं जरूर अपनी वीडियो में देना चाहूंगा, तो डेफिनेटली उन सभी का नाम तो मैं अपनी क्वेश्चन में, जब मैं चैप्टर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो जरूर यूज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम पहले पैटर्न समझ ले, कितने टाइप के पैटर्न होते हैं और कैसे हमें करना होता है। तो आपको पहले पैटर्न समझा, तो क्वेश्चन तो लाखों बन सकते हैं, पैटर्न 10 बार आए, अगर पैटर्न समझ गए फिर कोई भी क्वेश्चन आए आपको इन्हीं तरीके से करना होगा। तो अब सबसे पहले पहला पैटर्न है जिसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है आपको पता है? आगे। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे करना। वीडियो आगे करते हैं तो कहते हैं फॉरवर्ड कर दो, फॉरवर्ड मतलब आगे। ये है क्या फॉरवर्ड आगे? कि सपोज करो आपको कोई 5 अल्फाबेट दिए गए और उनको किसी प्रकार से अन्य 5 अल्फाबेटों में बदला गया। तो कैसे बदला, ये प्रोसीजर है, कैसे बदला? बोले पहले को बदला पहले से, दूसरे को बदला दूसरे से, तीसरे को बदला तीसरे से, चौथे को बदला चौथे से और पांचवे को बदला पांचवे से। ये पैटर्न कहलाएगा फॉरवर्ड पैटर्न। ये पैटर्न क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रीजनिंग। एक एक क्वेश्चन बताता चलता हूं साथ में आपको, रीजनिंग कि रीजनिंग को उसने लिख दिया NMIJNOGH। रीजनिंग को उसने ये लिख दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए हिमांशु को क्या लिखा जाएगा, हिमांशु सर को क्या लिखा जाएगा। तो अब कैसे करेंगे भाई? रीजनिंग में पढ़ाता हूं ना, तो रीजनिंग को ये लिखा गया, हिमांशु सर को पूछ लिया गया। तो आपने पहचाना क्या किया, पहले से पहला चेक किया, R से S एक आगे वाला, E से F एक आगे वाला, A से B एक आगे वाला, S से T एक आगे, सब क्या करा, एक एक आगे वाले लिख दिया। तो क्या हुआ था? हुआ ये था कि शब्द को उसने कोड करके ये लिखा, आपने इसे पहचान लिया। अब आप इसे क्या कर दोगे? डिकोड कर दोगे। तो आप भी कर दो भाई, H का क्या कर देंगे? I, I का J, M का N, A का B, N का O, S का T, H का I, U का V, S का T, I का J, R का S, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों की बात, ये हो गया पहला पैटर्न जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न क्या होता है? नेक्स्ट होता है रिवर्स। अब बच्चे गलती क्या करते हैं पेपर में, रिवर्स का मतलब होता है पीछे, आप सभी जानते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं पेपर में, पहले से पहले चेक करते रहते हैं, अगर 1+ नहीं होता 2+ करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं। नहीं बेटा, अगर नहीं हो रहा तो आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? कि आपको कोई 5 अल्फाबेट दिए गए और उनको अन्य 5 में बदला गया, लेकिन अब उसने किया ये कि पहले से पहले को बदला ही नहीं, तो आप लगाते रहो दिमाग, आपका आंसर आएगा नहीं। उसने पहले को बदल दिया आखिरी से, दूसरे को बदल दिया सेकंड लास्ट से, तीसरे को बदल दिया तीसरे से, चौथे को बदल दिया चौथे से और पांचवे को बदल दिया पांचवे से। क्लियर हो गई बात? अब इसको आपको समझना है कि आप कैसे करेंगे, कि क्वेश्चन मिलेगा और आपको कैसे करना है, कैसे जवाब देना है, उसका आपको बताना है। क्लियर? तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि भाई कैसे करोगे या कैसे नहीं करोगे। तो अब क्या करें, चलो मैं कोडिंग ही लिख देता हूं। ये सपोज करो कोडिंग दिया गया और कोडिंग को लिखा गया HOJEPD और आपसे पूछ लिया गया कि रिवर्स को क्या लिखा जाएगा, तो कैसे करोगे भाई? आप कहोगे सी से एच कैसे आया? बोले सर 3 से 8 5+ हुआ, 15 ऐसे ही छोड़ दिया, फिर डी से प्लस हो गया, तो पैटर्न नहीं बना। जब पैटर्न नहीं बना तो यानी कि पहले से पहला नहीं हो रहा। तो आप लोग दिमाग मत लगाना, आप इसमें टाइम बेकार हो जाते हो, फिर सोचते रहते हो प्लस गुणा भाग। नहीं यार, अगर पहले से पहला नहीं हो, टेंशन नहीं, जरूरत नहीं, पहले से पहला नहीं तो पहले से आखिरी चेक करो। सी से डी आपको दिख जाएगा 1+, ओ से पी 1+, डी से ई 1+, आई से जे 1+, एन से ओ 1+, जी से एच 1+। क्या हो रहा है? एक एक प्लस हो रहा है, लेकिन पीछे से सेम आप कर दो या फिर आगे से, कि आखिरी से चेक किया जी से एच, एन से ओ, आई से जे, डी से ई, ओ से पी, सी से डी, सेम आप कर दोगे। तो ई से एफ यहां से शुरू करेंगे लास्ट से, एस से टी, आर से एस, ई से एफ, वी से डब्ल्यू, ई से एफ और आर से एस, ही आपका आंसर हो जाएगा। दो पैटर्न क्लियर हुए, नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या? फॉरवर्ड आपके समझ में आ गया, रिवर्स आपके समझ में आ गया। अगर ये दोनों ही ना लगे, ना पहले से पहला हो रहा है ना पहले से आखिरी हो रहा है, तब क्या करेंगे? तो वो पैटर्न कहलाएगा आपका क्रॉस, या आप उसे कह सकते हैं पेयर, जोड़े बनाने। अब कैसे? सपोज करिए आपको 5 दिए गए, तो अगर 5 देगा और उन्हें बदलेगा, तो उन्होंने ना तो पहले को पहले से बदला, ना पहले को आखिरी से बदला। उसने किया ये कि शुरू के 2 आपस में बदल दिए, बाद के 2 आपस में बदल दिए, बीच वाला ऐसे रहने दिए। ये कहलाएगा पैटर्न पेयर पैटर्न। या अगर उसने सपोज करिए आपको 6 अल्फाबेट दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6, तो अब क्या किया? 6 है तो 3 तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से, कि या तो 2-2 में तोड़ देगा,
या तीन तीन में तोड़ देगा कि तीन इधर और तीन इधर, या फिर दो इधर दो इधर दो इधर, दोनों में से एक ही तरीका होगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या हुआ है, कि अगर ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, तो ऊपर नीचे रख लेंगे और चेक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देके समझाता हूँ आपको, कि मैंने सपोज करिए क्वेश्चन आपको जो दे दिया वो दे दिया, मैं नाम सोच लेता हूँ, या नाम तो नहीं लिख रहा, किसी एक का लिखूँ दूसरे का लिखूँ दूसरा बुरा मान जाएगा, तो नाम नहीं लिख रहा किसी का, हम अपने नाम ले लेते हैं, अपना नाम बिगाड़ देता हूँ, मैंने लिख दिया शिमांशु, और शिमांशु को जो लिख दिया वो लिख दिया, इसको जो लिखा है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी आसानी पे समझा सकूँ। शिमांशु को उसने लिख दिया जे आई टी ओ बी एन टी वी आई टी, शिमांशु को ये लिख दिया सपोज करिए, और आपसे पूछ लिया श्रुत्रिया को क्या लिखा जाएगा, श्रुत्रिया को यहां पे क्या आएगा, ये आपसे पूछ लिया क्वेश्चन मार्क, इसे कैसे करेंगे। तो बेटा सिंपल सा पैटर्न, नंबर के पहले से पहला चेक करो, 19 से 10 9 माइनस, 8 से 9 1 प्लस, पैटर्न नहीं बना। पहले से आखिरी एस से टी 1 प्लस, एच से आई 1 प्लस, लेकिन आई से भी पैटर्न नहीं बना, तो ना फॉरवर्ड लग रहा है ना रिवर्स लग रहा है, तो आप क्या करोगे। तो अब मुझे समझना है कि हुआ क्या है, अब कैसे करना है वो समझते हैं आपको, ठीक है। तो हुआ ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आप देखो 9 है, तो या तो चार चार करा या तीन तीन, अगर मैंने बोले चार इधर बीच वाला भी जोड़ दिया, तो ए से बी बीच वाला ठीक है, एम से एन बोले नहीं, तो ये पैटर्न चार वाला तो नहीं बन रहा, एस से टी नहीं बन रहा, तो अब तीन वाला देखोगे, तीन तीन वाला तो नहीं बन रहा, तो जैसे तीन वाला करोगे आई से जे, एच से आई, एस से टी, एन से ओ, ए से बी, एम से एन, यू से वी, एच से आई, एस से टी, आपके तुरंत पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। बोले सर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तीन तीन के जोड़े बनाए और क्रॉस करके एक एक प्लस किया है। तो ये कब समझ पाए, जब आपने पैटर्न ध्यान रखा कि फॉरवर्ड नहीं लगा, रिवर्स नहीं लगा, क्रॉस नहीं लगा, तभी आप जल्दी कर पाओगे, वरना ये दिमाग में नहीं आएगा। सेम आप कर दो, तो आर का एस, एच का आई, एस का टी, फिर आर का एस, टी का यू, ओ का पी, फिर ए का बी, वाई का जेड और आई का जे, बी जेड जे, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब फॉरवर्ड भी ना लगे, रिवर्स भी ना लगे, क्रॉस भी ना लगे, तब क्या करेंगे, तो चौथा पैटर्न, चौथा पैटर्न क्या, चौथा पैटर्न है बेटा अपोजिट, क्या पैटर्न है, अपोजिट, तो अपोजिट लग रहा होगा, अपोजिट कैसे लगता है, अपोजिट का मतलब क्या है, मैंने आपको नंबर और अपोजिट याद कराया, इस चैप्टर में दो चीजें आपको 100% याद होनी चाहिए, एक अल्फाबेट्स और एक अपोजिट। अपोजिट के लिए मैंने आपको एक लाइन याद कराई थी, वो लाइन थी उफ बाय लव शर्ट जी, उफ बाय लव शर्ट जी, ये लाइन क्या बताई थी कि यू का अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट वाई है, एल का अपोजिट ओ है, वी का अपोजिट ई है, एस का अपोजिट एच है, आई का अपोजिट आर है, और टी का अपोजिट जी है। जो रह गए उन्हें आपके निकले में बताया था कि बचपन में मैम होमवर्क देती थी ए टू जेड तक लिख के आना, तो ए जेड अपोजिट होते हैं, हम सोया खाते हैं क्रैक्स का तो सी एक्स अपोजिट होते हैं, घर में आता है दूध वाला तो डी डब्ल्यू अपोजिट होता है, उसके बाद जो रह गया वो ईवी आ चुका है, एफ यू आ चुका है, जी टी आ चुका है, या जी टी रोड से याद रख सकते हो, एच से हिमांशु सर याद रख सकते हो, एच हिमांशु सर, आई से इंडियन रेलवे याद रख सकते हो, जे से तो जंगल क्वीन याद रख लो, जे क्यू आपस में अपोजिट होता है, या जैकलीन याद रख लो, या जेब कतरा याद रख लो, जे क्यू हो जाएगा, जे के बाद के आता है तो पी के मूवी आई थी, या कमला पसंद गुटका है वो याद रख लो, या काला कुर्ता पजामा है ना, कुछ भी याद रख सकते हो आप। के बाद अगर बात करें तो के बाद क्या आता है, एल आता है, एल ओ या आई गया, या फिर एल ओ एल लोल बाबा जी का ठुल्लू कमर कबजर मशे वो याद रख लो, एल के अलावा नहीं रख सकते, एम आ गया तो एम का अपोजिट क्या होता है, बोले नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, एम एन याद हो गए, अपोजिट आपको याद हो गए। अल्फाबेट्स याद कराए थे बहुत सारे, अगर याद नहीं है कि पूरी वीडियो पड़ी हुई है आप एक बार चेक करना, अल्फाबेट्स लिखा हुआ है तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, और याद नहीं है जब तक तब तक आप इससे मदद करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अगर ये दो चीजें नहीं पता तो आपको बहुत दिक्कत पड़ने वाली है, ये नंबर और ये अपोजिट की ट्रिक, ठीक, ये इतना याद रख लो आपका काम हो जाएगा। तो अपोजिट क्या होते हैं मैंने बताया अभी आपको, तो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सपोज करिए सर अपोजिट वाला पैटर्न में क्या मिलेगा, कि अगर उसने लिख दिया आज क्या है संडे, कि संडे को जो उसने लिख दिया वो लिख दिया एच एफ एम डब्ल्यू जेड बी, और आपसे पूछ लिया कि सर संडे को ये लिखा गया है तो बताइए वीकेंड, या वीकेंड नहीं लिख रहे खाली वीक लिख दिया, डब्ल्यू डबल ई की और डब्ल्यू ई ए के दोनों वीक में फर्क होता है आपको पता ही होगा,
तो क्या करना है, संडे का अपोजिट लिख दे, आप भी लिख दो। डब्ल्यू का अपोजिट डी दूध वाला, ई का अपोजिट वी इवनिंग या फिर लव में आ रहा है, ई का अपोजिट फिर से वी, और केपी मैंने बताया पीके मूवी या कमला पसंद, ये आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या करना है वहाँ सिंपल सा पैटर्न है, अपोजिट अपोजिट मतलब उल्टा लिखना है, खत्म हो गई बात। जिनको अपोजिट याद नहीं उनको बता रखा है 27 में से माइनस करके भी निकाल सकते हो, जैसे कि देखो एस 19 पर आता है, एच 8 पर आता है, 19 और 8 27, तो यहाँ आप ऐसे कर लोगे 21 ये 6, 21 और 6 27, तो दोनों का योगफल 27 हो रहा होगा, तो यहाँ 23 है, 23 में क्या जोड़ने में 27 आएगा, बोले 4, 4 पर क्या होता है डी, ई 22 पर आता है, 22 में क्या जोड़, ई 5 पर आता है सॉरी, ई 5 पर आता है, 5 में क्या जोड़ने में 27 बनेगा 22, 22 पर क्या आता है वी। अगर अपोजिट याद नहीं हो रहे तो 27 सम बना लो कि दोनों का इक्वल 27 होना चाहिए, तो क्या जोड़ने में 27 बनेगा, जो जोड़ने से बनेगा वो अल्फाबेट आंसर हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। डन, तो ये हो गया चार पैटर्न, अब अगले पैटर्न की बात करते हैं। टोटल 8-10 पैटर्न है, आपके समझ में आ जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो अगले पैटर्न क्या है, अगले पैटर्न समझते हैं। चार पैटर्न हो गए हमारे, चार ही पैटर्न और लगभग ही समझ लो जो इंपॉर्टेंट है, चार के अलावा ज्यादा नहीं है, बस ये समझ लोगे ना तो पूरा चैप्टर, क्योंकि कल मैं चैप्टर कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा डायरेक्ट, पूरा चैप्टर सॉल्व कराना है आपको कोडिंग डिकोडिंग का, तो सारे पैटर्न आएंगे उस चैप्टर में, तो बार बार कोई समझाता फिरूंगा, तो एक बार मैं समझा देता हूँ आज वीडियो में, समझा देता हूँ कल जो वीडियो होगी उसमें आपको सब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आप आंसर बता सकते हो खुद भी कमेंट में। तो चार पैटर्न हो गए, पांचवा पैटर्न देखिए, पांचवा पैटर्न क्या है, इधर फॉरवर्ड भी हो गया, रिवर्स भी हो गया, क्रॉस भी हो गया, और आपने अपोजिट भी कर लिया, अब वो भी ना लगे, तो बेटा पांचवा पैटर्न है पोजिशन। अब पोजिशन क्या है, पोजिशन ये कि आपको कोई वर्ड दिया गया और उसको किसी और प्रकार से लिख दिया गया, मतलब फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेंगे, कि मैंने लिखा, मैंने आपको लिखा मदर, ठीक, और मदर को जो लिख दिया वो लिख दिया आर ई एच टी ओ एम, मदर को ये लिख दिया, और आपसे पूछ लिया जाए सिस्टर को क्या लिखा जाएगा, तो बहुत सिंपल सा पैटर्न। पोजीशन का मतलब ये है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कभी भी जो अल्फाबेट आपसे पूछे जा रहे हैं अगर वही अल्फाबेट इधर हो, कोई भी नया अल्फाबेट ना दिखे, तो आप समझ जाना कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, सिर्फ आगे पीछे क्या, मार्कर भी गिर गया, देख रहे हो आप, सिर्फ आगे पीछे हुआ है, कैसे हुआ आगे पीछे, तो आर ई एच, तो आप देखो कुछ नहीं क्या पलट के लिख दिया आर ई एच टी ओ एम, सेम आप कर दो, आप भी पलट के लिख दो, तो क्या हो जाएगा आर ई टी एस आई एस, ये आपका आंसर हो गया, खत्म हो गई बात, रेड सिस, समझ रहे हैं मेरी बात, तो पोजीशन भी हो गया। अब पोजीशन एक ही तरीके से नहीं हो सकती, और भी बहुत तरीके होते हैं कि डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा, अगर तो हो सकता है कि दो दो को पलट के चेंज कर दे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, कि ओ एम कर देता फिर एस टी कर देता फिर आर ई कर देता, तो बहुत सारे पैटर्न है पोजीशन में, वो क्या है वही पहचानना आपका काम है ना, तो वो आपको पहचानना होगा, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो बहुत सारे पैटर्न आएंगे वो आप देख ही लोगे। नेक्स्ट छठा पैटर्न, पोजीशन ना लगे तो क्या करेंगे भाई, तो पोजीशन भी ना लगे तो एक होता है सेम कोडिंग। अब सेम कोडिंग क्या होता है भाई, सेम कोडिंग सिंपल सा तरीका है, वो बहुत आसान है, बहुत आसान क्यों है मैं समझा देता हूं आपको, ये सपोज करिए उसने लिखा टेक, और टेक को लिख दिया उसने 4, 7, 8, 9, ठीक है, फिर उसने लिखा गेट, और गेट को लिख दिया उसने 5, 7, 4, 9, गेट को लिख दिया 5, 7, 4, 9। अब इसके बाद बात करें, उसने आपसे पूछ लिया गोट को क्या लिखा जाएगा, गोट को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब फिर मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी पेपर में जो आपसे पूछा जा रहा है अगर वो सभी अल्फाबेट ऊपर मौजूद हो तो हम पैटर्न नहीं पहचानते, ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी सेम कोडिंग का मतलब क्या है कि जो आपसे पूछा जा रहा है अगर उस क्वेश्चन के उस शब्द के सारे अल्फाबेट ऊपर मौजूद है तो पैटर्न मत पहचानो, आप कुछ मत करो, बस ऊपर से नीचे उतार दो। कैसे उतारोगे कि जी, जी को क्या लिखा था 5, ओ अरे सॉरी मैंने गोट लिख दिया, मैंने यहां गोट दिया नहीं, एक बार रुक जाओ, गोट मैंने ऊपर ओ दिया नहीं है, तो आप क्या करो, आप जी के ई टी, जी के ई टी का कोड बता दो, कुछ भी मतलब एक वर्ड बना दिया मैंने, मैं सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन तो मुझे याद है नहीं, तो मैं सिर्फ एक पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ, याद भी है लेकिन वो लिखना नहीं चाह रहा कि वो कल किताब में आएंगे तो क्यों ही लिखूं मैं, है ना, आज से पैटर्न समझो आप। तो जी के ई टी को पूछ लिया, तो जी को क्या लिखा है, देखो सारे ऊपर मौजूद है, उतार दो, जी को क्या लिखा है 5, उतार दिया, के को क्या लिखा है 8, आप भी उतार दो,
ई को क्या लिखा है, बोले ई को लिखा है सर 9, आप भी उतार दो। और टी को क्या लिखा है, बोले सर टी को लिखा है इन्होंने, टी को लिखा है इन्होंने 4, तो आप भी उतार दो 5, 8, 9, 4 आपका आंसर होगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है सेम कोडिंग का मतलब कि जो पूछा जा रहा है अगर वो ऊपर मौजूद है तो हम ऐसे कैसे उतार देते हैं, हम ज्यादा दिमाग अपना नहीं लगाते। 6 हो गए। 7वां पैटर्न क्या बेटा? 7वां पैटर्न है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है चेंज करना, इंटरचेंज। मतलब क्या है? क्वेश्चन मिलेगा कि यदि यदि सफेद को हरा, हरे को लाल, लाल को पीला, पीले को काला और काले को भूरा कहा जाए, और काले को भूरा कहा जाए, तो बताइए पत्ते का रंग कैसा होगा, तो बताइए पत्ते का रंग कैसा होगा। बहुत कुछ भी पूछ सकता है ना। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा सिर्फ आखिरी क्वेश्चन में पूछो जब पूछा गया। आखिरी क्वेश्चन कहता है पत्ते का रंग कैसा होगा, पत्ते का रंग कैसा होता है सभी को पता है, हरा होता है, और हरे को क्या कहा गया है, लाल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। बात खत्म हो गई, आगे नहीं जाना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैसे हरे को लाल कहते हैं, फिर लाल को पीला, पीले को काला, काले को भूरा, तो भूरा आंसर होगा। नहीं बेटा, जिसको पूछा जा रहा है उसको जो कहा गया है वो आंसर, उसके आगे हमें नहीं जाना। तो पत्ते का रंग हरा होता है, हरे को क्या कहा गया है, लाल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाल। आई होप क्लियर होगी आपको बात। अब अगले बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिस्थापन समझ में आ गया। इसी में चलो सपोज करो अगर मैं पूछता कि भाई बताओ, जो मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि कोई बच्चा क्लास में फोन चला रहा है पढ़ने की बजाय, माँ आपके पैसे बर्बाद कर रहा है, और मैं उसका सर फोड़ दूं, तो जो खून निकलेगा उस खून का रंग कैसा होगा, तो खून का रंग कैसा होता है, लाल, और लाल को क्या कहा गया है, पीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीला। बात समझ में आ गई। और बहुत सारी चीज दिमाग में मिल आ रही है, बालों का रंग कैसा है, काला, काले को क्या कहा गया है, भूरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भूरा। बात समझ रहे हैं आप, कुछ भी पूछ सकता है। मतलब वो बादल का रंग कैसा होता है, बोले सफेद, सफेद को कहा गया हरा, तो आंसर क्या हो जाएगा, हरा। तो कुछ भी पूछ सकता है ऐसे वो चीजें, तो ध्यान रखना आखिरी वाले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, जो भी आपका आंसर होगा उसको जो कहा गया है वो आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी टाइप है आपका 8वां टाइप, उसके बाद एक 8वां पहले बताया था नंबर कोडिंग, 8वां पहले लिख लो नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग का मतलब यह है कि आपको कोई शब्द दिया जाएगा और उसको किसी प्रकार से कोड किया जाएगा किसी अदर भाषा में। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां समझा देता हूं नंबर कोडिंग को, कि नंबर कोडिंग को 8वें का मैंने जो पैटर्न समझा रहा हूं यहां समझा रहा हूं, कि मैंने आपको लिख दिया शी, और शी को मैंने लिख दिया 19 8 5, 190805, और मैंने आपसे पूछ लिया हेट। ठीक, हेट को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन करना है, क्या हुआ है पैटर्न पहचानना है। तो नंबर कोडिंग के लिए नंबर आपको याद होनी चाहिए, वो यहां से निकल आएंगे कि एस कितने पर होता है, बोले सर टी 20 पर है तो एस 19 पर, एच कितने पर होता है, बोले सर ई 5 पर है तो एफ 6 पर, जी 7 पर, एच 8 पर, ई कितने पर होता है, बोले ये दिख रहा है 5 पर। जैसे ही आप देखोगे आपको दिख जाएगा कि सर ये तो 19 लिख दिया, ये तो 8 ही लिख दिया, ये तो 5 ही लिख दिया। तो क्या किया है, कुछ नहीं किया, जो अल्फाबेट जिस नंबर पर आता है बस वो लिख दिया है, आप भी कर दोगे। तो एच कितने पर आता है, 8 पर, तो 08, क्योंकि इन्होंने डबल डिजिट किया है, A01 T20 और E05, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, S19H08505, तो आप क्या कर दोगे, H08A01T20 और E5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी पैटर्न बचा 9वां पैटर्न, और उसके बाद सारे पैटर्न कंप्लीट हो गए, कल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बेटा इस चैप्टर से, ये चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, जो हमने क्वेश्चन किए थे एनालॉजी क्लासिफिकेशन उसमें भी हमने इन्हीं का यूज किया था, अगर आपको याद हो तो, यही पैटर्न लग रहे थे कि कभी अपोजिट हो रहा था, कभी नंबर रख दिए थे, तो वो सब क्या है, इसी चैप्टर के क्वेश्चन है। तो अगर ये चैप्टर आप देखोगे तो पेपर में कोई सा पेपर कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं अल्फाबेट वाले, है ना, अल्फाबेट वाले चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये मत कहना कोई निकोडिंग से, अल्फाबेट वाले, क्योंकि पैटर्न तो कोई निकोडिंग वाले लगते हैं। तो अब आखिरी पैटर्न, इन 9 पैटर्न से ही आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ध्यान रखना। एक 10वां और है वो भी बताऊंगा, टोटल 10 पैटर्न है, 9 ही काम के हैं, 10वां तो कभी कभी आ रहा है। नवा पैटर्न क्या है बेटा, नवा पैटर्न है कि जिसको आप कह सकते हो कोडिंग लैंग्वेज, मतलब उसमें फारसी, पता नहीं कौन कौन सी भाषा देगा, कोडिंग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा देगा। जैसे उसने लिख दिया शी हेट मी, और उसका कोड दे दिया उसने, मैं नंबर में भी दे सकता हूं और ये कोड में मिल सकता हूं, उसने दे दिया ला तू, ला तू नी,
लातूनी, ठीक। फिर उसने लिखा ही लव हर, ठीक। और इसका कोड उसने दे दिया नो नो सी पा, नो सी पा। और फिर उसने दे दिया लव एंड हेट, लव एंड हेट। और इसका कोड जो उसने दे दिया वो उसने दे दिया टू पा गल, लव एंड हेट का दे दिया टू पागल। तो ऐसे करके उसने चार कोड दे दिए और आपसे पूछ लिया, उसने सपोज करिए कि एंड का कोड क्या होगा, आपसे उसने क्या पूछ लिया एंड का कोड क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, इसको करने के तरीके क्या है। इसको करने का सिंपल वह तरीका यह है, या एंड का पूछा है ना, हो सकता है वो लव का पूछे, दोनों तरीके बताता हूँ कि एंड का पूछेगा तो कैसे करना है, लव का पूछेगा तो कैसे करना। देखो सबसे पहले एंड से पहले मैं लव बताता हूँ कि लव का कोड पूछा सपोज करो आपसे, तो लव आप देखो कहाँ है, बोले ये रहा, और लव कहाँ ये रहा। तो जो पूछा जा रहा है अगर वो कहीं कॉमन होता है तो लव यहाँ है और लव यहाँ है, इन दोनों लाइनों में कॉमन है, दोनों में लव कॉमन है। लव का इधर देखो, इन दोनों लाइनों में कोड कौन सा कॉमन है, तो इन दोनों लाइन में कोड कौन सा कॉमन है, पा। तो लव का कोड क्या हो गया, लव का कोड हो गया पा। कितना सिंपल है, जिसका कोड पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन है तो बस चेक करो और आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। लेकिन जिसका कोड पूछा जा रहा है अगर वो कॉमन नहीं है तो फंस जाओगे, जैसे एंड का कोड पूछा लेकिन एंड कॉमन नहीं है, एंड कॉमन नहीं है तो फंस गए, अब क्या होगा कोड भाई। तो करने का सिंपल तरीका, अगर एंड कॉमन नहीं है तो उसके जो बराबर वाले हैं वो जरूर कॉमन होंगे, तो लव तो निकाल चुके, हेट और निकाल लो, हेट यहां है और हेट यहां है। अब पहली और तीसरी लाइन में कॉमन क्या है, तो पहली और तीसरी लाइन में टू कॉमन है, तो हेट का कोड हो गया टू, लेकिन पूछा नहीं, छोड़ दो। अब इधर क्या बचा, एंड, और इधर कोड क्या बचा, पा, सॉरी गल। तो इधर बचा एंड और इधर क्या बचा, गल। तो आंसर क्या हो गया आपका, गल। तो या तो जो पूछा जा रहा है वो कॉमन होगा तो आप डायरेक्टली बता दोगे, और अगर कॉमन नहीं है तो बराबर वाले कॉमन होंगे वो निकाल दो, जो बचेगा वो आंसर। यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज और बताया तो आजकल वो थोड़ा सा दिमाग से खेलता है, पागल नहीं है टीचर भी वहां पे, वो आपसे पूछ लेगा हर का कोड। अब आप फंस जाओगे, क्यों फंस जाओगे, ना तो हर कॉमन है और ना ही कॉमन है, ही कॉमन होता तो मैं हटा देता, हर बस्ता बता देता, क्योंकि यहां कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब क्या करोगे, तो अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि जो आपसे पूछा जा रहा है ना तो वो कॉमन है और ना ही उसकी लाइन में जो बाकी है वो कॉमन, तो क्या करोगे, तो हर का कोड अगर आपको बताना होगा तो जो आपका आंसर होगा वो होगा नो या सी। ऑप्शन में ये दोनों लिखे मिलेंगे, क्यों, क्योंकि हर का कोड या तो नो होगा या सी होगा, इन दोनों में से एक। लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है कि ही का कोड क्या है हर का कोड क्या है, तो इन दोनों में से कोई एक है, कौन सा नहीं पता, तो ऑप्शन में लिखा मिलेगा नो या सी। तीन तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, या तो ये मिल जाएगा जो कॉमन है, या ये जो कॉमन नहीं है लेकिन उसके बराबर वाले कॉमन है, या वो कि जो ना तो वो कॉमन है और ना ही उसके बराबर वाले कॉमन है। तो फिर इस तरीके से करते हैं तो या में आंसर मिलेगा। नवा क्वेश्चन खत्म, दसवां पैटर्न और देख लो, चैप्टर हमारा खत्म, कल करेंगे क्वेश्चन शुरू। दसवां पैटर्न क्या है, आपको एक सारणी देगा, यहां लिख देगा अक्षर, नीचे लिख देगा कोड, और बॉक्स बना देगा चार पांच, मैं ज्यादा नहीं बना रहा, पेपर में बड़ी मिलेगी। उसने लिख दिया टी एस ए पी ई, और कोड दे दिया डॉलर स्टार हैश कॉपीराइट एट द रेट, ये कॉपीराइट है, सी के ऊपर सर्कल, ठीक है, कॉपीराइट, और ये हो गया एट द रेट। अब ये कैसे करेंगे, तो आपको बोल देगा, कुछ कंडीशन देगा और कभी कभी कंडीशन नहीं देगा, कंडीशन नहीं देगा तो आप डायरेक्टली बता दो, बोल देगा बताओ भाई टेप को कैसे लिखा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई कंडीशन नहीं दी आप बस ऊपर से नीचे उतार दो। तो टी को क्या लिखा है डॉलर, ए को क्या लिखा है हैश, पी को क्या लिखा है कॉपीराइट, ई को क्या लिखा है एट द रेट, ये आपका आंसर होगा। कभी कभी वो कंडीशन देगा, कंडीशन क्या देगा, उन्होंने बोल दिया आपसे कि यदि पहला स्वर है और आखिरी व्यंजन है, आखिरी व्यंजन है तो कोड आपस में बदल दो,
समझ लो बस, ज्यादा ध्यान मत दो बातों पे, मतलब राइटिंग पे ध्यान मत देना, तो बोल रहा हूँ वो ध्यान दो। उसने सपोज करो बोल दिया आपसे कि यदि पहला स्वर है और अंतिम व्यंजन है तो और आखिरी व्यंजन है तो दोनों के कोड आपस में क्या कर दो, बदल दो, और उसने आपको शब्द दे दिया एट, ठीक, एट एट्स बोल दिया, ATES ये बोल दिया, तो आपने देखा पहला क्या है स्वर, आखिरी क्या है व्यंजन, कंडीशन लग गई, तो जो उसने कंडीशन बोली अगर वो लग जाएगी पहला स्वर है आखिरी व्यंजन, तो क्या करना है दोनों के कोड आपस में बदल देना है, तो ए का कोड क्या है हैश, तो वो पीछे चला जाएगा, एस का कोड क्या है स्टार, वो आगे आ जाएगा, और जो बीच के बच गए वो ऐसे उतार दो, तो टी का कोड डॉलर ऐसे आ गया, ई का कोड एट द रेट ऐसे आ गया, ये आपका आंसर, क्लियर। तो ये 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरे चैप्टर में कोड डिकोडिंग में, इसके अलावा नहीं होते, यही 10 टाइप में, बस कभी प्लस हो रहा होगा, कभी माइनस, कभी दो प्लस, कभी चार प्लस, कभी आठ प्लस, कभी गुणा, कभी भाग, कभी क्रॉस, कभी अपोजिट, यही सब चलता रहेगा, क्वेश्चन हजारों बना लो, पैटर्न यही 10, क्लियर। तो आज के लिए वीडियो समाप्त करता हूं, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आया हो तो कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आया है, बाकी कल करेंगे चैप्टर इसका पूरा, एक वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा, काफी बड़ा चैप्टर है तो दो पार्ट में कर लेंगे, और चैप्टर खत्म करने के बाद, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के 6 चैप्टर आपको मैंने करा दिए हैं, तो आप उनमें से कितना कर पाए हो उसका एक टेस्ट ले लूंगा, है ना, अगले संडे में या कभी एक आपको टाइम दे दूंगा, सभी बच्चे आ जाना ऑनलाइन, और कोशिश करूंगा लाइव ही लूं, मतलब अब तक तो लाइव चैटिंग चलती है, लाइव वीडियो लूं, मौका लगा तो, लाइव वीडियो की गारंटी तो नहीं ले रहा, लेकिन हाँ एक टेस्ट ले लूंगा जिसमें क्वेश्चन दूंगा और वो आपको करने होंगे, मैं एक भी आंसर नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एंड में बताऊंगा किसके आंसर सही है, कितने नंबर आपके आए हैं, और फिर एंड में सॉल्व करा दूंगा, पहले सिर्फ क्वेश्चन लिख के अलग हट जाऊंगा, 5-10 मिनट का टाइम दे दूंगा, बोले आप सॉल्व करो, और फिर आंसर की टाइप का जो आप टाइम देते हो टाइमर लगा के, और जो बच्चे नहीं कर पाएंगे जिनके नंबर जितने आएंगे वो आप, आपके ऊपर है, आप मुझे बताते रहना, क्लियर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे, आज के लिए इतना ही, आपकी रात्रि शुभ, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।